नेक्स्ट डे है ये हमारा, आज हम इधर से चेकआउट करेंगे बोट हाउस से। और ये डॉली है, ये पूरी रेडी हो चुकी है बीच पे जाने के लिए। बीच लुक, ब्लू लुक, ब्लू कलर में। और कैसा लगा बोट हाउस का एक्सपीरियंस आपको? बहुत ऑसम था, मज़े आ गए मेरे को तो बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी हेवन हो गई है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मज़ा आ रहा है और सुबह का नज़ारा भी देखो यार बहुत अच्छा है। और कमेंट्स में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आज। मैंने सब ब्लू ब्लू ज्वेलरी पहनी है, देखो दिखा। जैसे कि मैं मैचिंग शुरू से ही करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स को तो पता ही है और मेरी कजन्स को भी पता है। हाँ ये ज्वेलरी जिस कंपनी से आई है उस कंपनी से रिक्वेस्ट है कि हमने उनका प्रमोशन करा है, हाँ इसका हमको क्रेडिट दिया जाए। और क्या, वो तो देना बनता ही है। डोली अग्रवाल जो पहन रही है इसको। ओ माय गॉड, इतना कहाँ। नाश्ता हमारा रेडी है और टेबल पे लग चुका है। देखती हूँ नाश्ता कैसा बना है। वैसे यहाँ पे नाश्ते में मोस्टली इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, नारियल चटनी, एक वो टमाटर वाली चटनी, यही सब मिलता है। लेकिन अगर आप रिजोर्ट में रुके हैं तो अगर आपने बुफे है तो उसमें आपको आइटम्स मिल जाते हैं, कभी पूड़ी और भाजी। जैसे कि कल वाले रिजोर्ट में हमने खाई थी, जो भाजी थी वो दूध में बनी थी, वाइट डिश, वाइट डिश। हेलो भैया। हेलो भैया, माय नेम दिलीप। ओके ये आलेपी का केरला हाउस बोट है। आलेपी बोलेगा तो ये हाउस बोट बोलेगा तो ये 2 बेडरूम का है, बोट है। ये किचन एरिया, इसमें खाना बनाता है। सारी गेस्ट आएगा तो अपना मनपसंद का खाना बनाता है। किसी को चाहिए तो कुछ बनाना है अपना स्टाइल में, क्या गुजरात स्टाइल बोलो, बॉम्बे, दिल्ली, आपका मर्जी बोलेगा तो थोड़ा खाना बनाने के लिए अच्छा रहता है। आपका इधर सांबर राइस सांबर और राइस वो तो यहाँ का फेमस है, फेमस मतलब है मेन इधर खाना केरला का। वही। और क्या है, केरला में इधर मच्छी वगैरह मिलता है? आप हाँ लोग मच्छी खाता है? नो नो नहीं खाता है। इधर का मच्छी मिलता है कारीबिन, कारी मीन। ओके पैरल स्पोर्ट, उसको हाँ क्या है वो केला का पत्ता में उसको मसाला दे के बनाता है। अच्छा फिर दूसरा फैसिलिटी क्या है इधर का, छोटा कानोइंग रहता है। अभी अच्छा जो छोटा बोट में गया हाँ हाँ शिकारी हाँ बोट में, शिकारा उसमें कानोइंग रहता है, हाँ स्मॉल कनाल दे के घूम के दो साइड घूम। विलेज, पहाड़ी फिर लिए है तो हाँ बहुत मस्त है देखने के लिए। हाँ फिर इधर का ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक बॉडी मसाज, स्पा वगैरह रहता है। ओके किया है कभी? नहीं नहीं नो किया नहीं। हाँ इधर स्पा वगैरह बहुत अच्छा रहता है, हेड अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अच्छा फिर और दूसरा क्या बोलेगा तो इधर का स्पीड बोट, बड़ा लेक है, बड़ा लेके यार। सबसे बड़ा लेक है, वेम्बनाड लेक बोलते हैं ओ बड़ा लेक। हाँ उसमें 3-4 रिवर का ज्वाइंट है, पंबा हाँ रिवर है अच्छा और दूसरा दूसरा नाम है, वो हाँ सब ज्वाइंट है, ज्वाइंट है कि बड़ा लेक में, हाँ उसको बैक वाटर, हाँ बैक वाटर बोलता है। बोलते हैं। हमारी जो बोट थी वो क्या है, थोड़ी सी उसमें इंजन में प्रॉब्लम आ गई तो फिर उन्होंने हमारे लिए दूसरी बोट अरेंज की है, वो भी क्यूट है। तो ये लोग क्या करते हैं, नाइट में तो स्टे करते हैं, देन सुबह है ना हाफ एन आवर ऑलमोस्ट 1 घंटे का एक चक्कर निकलवा के लाते हैं। तो वो हमारा अम्मी से कहता तो इन्होंने देखो ये क्यूट सी बोट है, ये भी बहुत क्यूट है, अब वो अम्मी से चक्कर निकालने जा रहे हैं। ये तो ज़्यादा बढ़िया है। ड्राइवर भैया ये है, अभी हमें सैर करवा के लाएंगे। और ये बोट तो बहुत ज्यादा प्यारी है, इसका अलग एक्सपीरियंस है। क्या नाम बताया आपने? मनु नाम है इनका। ये देखिए इनकी बोट, टूरिस्ट बोट है, इसको भी लाइसेंस चाहिए। अच्छा उधर जाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है? लाइसेंस चाहिए, उसको नहीं चाहिए। अच्छा तो इस बोट को गहरे में जाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। और मेरा विलेज भी है, इसका स्पेशलिटी है ना, ये आइलैंड है। अच्छा इधर आने जाने के लिए बोट से आता है, बोट का जगह नहीं है। अच्छा ये देखिए आइलैंड है, ये लोग बोट से आते जाते हैं और यहाँ पे कोई रोड नहीं है। अभी आप हमें कितनी देर के लिए करवाएंगे सर?
मिलते आने वाले हैं 45 मिनट्स इस बोट के अंदर मुन्नू भैया के साथ में। आपको कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया? 15 इयर्स। वाह, स्पेशलिटी क्या है इधर की? इधर बोट रेसिंग होता है इधर ओनम का टाइम में ना। अच्छा, ओनम में बोट वो चप्पू वाली? अच्छा, पहले पूरा बोट इधर से रिमूव कर, फिर जो जीतता है उसको प्राइस वगैरह भी मिलता होगा? मिलेगा 10 लाख। और आप पार्टिसिपेट करते हो? अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा। पार्टिसिपेट करने के लिए हमको 2 साल का प्रैक्टिस चाहिए। बहुत तेज चलाते हैं, बहुत तेज नहीं ज्यादा। आज वो कहावत सही हो गई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी अगर बोट का इंजन खराब हुआ है तो वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है। ये टूरिस्ट बोट है और ये पूरे एलएफपी में ऐसी 2 ही बोट्स हैं और हमें चांस मिल रहा है इसमें 1 घंटा सैर करने का। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू केरला हॉलीडेज जिन्होंने हमारा ट्रिप मैनेज किया। हमने उनको बोला कि अगर हमारा इंजन खराब हो गया तो आप कुछ और अरेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने 5 मिनट्स के अंदर ही हमें ये बोट अरेंज कर दी। सो बिना किसी रोक टोक और बिना किसी एक्सक्यूज के अगर आपको भी अपना पैकेज बुक करवाना है तो बेस्ट केरला हॉलीडेज उसी से जाके करवाइए। एंड थैंक यू सो मच केरला हॉलीडेज फॉर अ वेरी ऑसम ट्रिप एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन केरला, मुन्नार, एलएफपी एंड नेक्स्ट मरारी बीच। थैंक यू।